हो गया। चलो देखो टप के ना, देखो जी अब हम लोग नया थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, पैरामीट्रिक के क्वेश्चन। ठीक है, ये समझो कि लास्ट वाला है टॉपिक, ज़्यादा मतलब कि लेंदी नहीं, बहुत ईजी है। सब तो ईजी था, ये भी ईजी है। तो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। पहले समझते हैं कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन सर्किल का क्वेश्चन, तुम देख रहे हो ये सर्किल का क्वेश्चन है, पता है 11th पढ़ते सर्किल, कोई बात नहीं। ये सर्किल का क्वेश्चन है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस ए है, क्या समझे। अब अगर मान लो मेरी बात गौर सुना, सब बच्चा सुनना अच्छा सा, ये एक क्वेश्चन है। ओके, ये जनरल इक्वेशन है, माने कि तुम ये बोल सकते हो ये इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में, इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। क्या इक्वेशन बोलते हैं, एक्स वाई वाला इक्वेशन, सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, एक्स की जगह हम यहाँ क्या करते हैं ए कॉस थीटा रख देते हैं, क्या रख देते हैं। अब वाई की जगह ए साइन थीटा रख देते हैं, क्या कोई समस्या। अगर ए कॉस थीटा रखोगे ए साइन थीटा तो क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत है। अब सर हम क्या बता रहे कि हम क्या रखेंगे, तुमको दिया रहेगा, तुमको चिंता नहीं करना है ना। मैं अभी समझा रहा हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है, ये समझा रहा हूँ। अगर तुमने ए कॉस थीटा यहाँ रख दिया तो बताओ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। कितना आ गया आंसर, बराबर क्या दिया होता है वहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आगे ना आ गया, अरे आगे ना आ गया। यानी कि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो ए स्क्वायर है, इसको कौन सेटिस्फाइड करेगा, कौन इक्वेशन, कौन एक नया इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो नया इक्वेशन आया, एक्स बराबर एक अलग आया, वाई बराबर एक अलग आया। जो ये दो इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। यानी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड बोलो एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन है, कौन इक्वेशन है। अब तुमको क्या है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है कितना वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व है, मतलब कोई बता सकता है। 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो तुम्हारा अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट है। 3 वेरिएबल तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कौन कौन, ए एक्स वाई थीटा, 3 वेरिएबल तुम्हारा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ए सॉरी एक्स वाई और थीटा, ये तो कांस्टेंट है, समझ आया तुमको। तो थीटा के बदले में कभी टी लिखा रहेगा, कभी तुमको थीटा या टी, बुक में जनरली टी या थीटा ये दो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब तुमको इस तरह एक्स और वाई का इक्वेशन नहीं देगा, एक्स और वाई का इक्वेशन तुमको ये देगा, ये थीटा में देगा या टी में देगा, एक्स अलग देगा अब वाई, तब बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सवाल देखो, ये सवाल बनाता हूँ मैं, अभी तो मैंने तुमको अभी समझाया एग्जाम्पल देख के कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मतलब एक नया वेरिएबल में है ना, एक नए वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ, इसको रखोगे तो पुट करके निकल जाएगा। सुनो अच्छा सर, अब मैं सवाल एग्जाम्पल कर रहा हूँ, पहले सुनो सुनो समझा। एक्स इक्वल टू दे दिया है ए कॉस थीटा, बरकरार रहे हो, और वाई इक्वल टू दे दिया है ए, तब बोल रहा है कि डी वाई वाई डी एक्स निकालो, ये मस्त बात है ना। तो तुम्हारे पास डी वाई डी एक्स निकालने के लिए तुम यहाँ ऐसे लो ना लगा, देखो ना मिस्टर आकाश, ए कॉस थीटा, इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या थीटा यहाँ पे टी रहेगा तो क्या करोगे, टी के रिस्पेक्ट में करोगे, जो भी करो डी एक्स बाय डी थीटा। बताओ ए कॉस का वाला डिफरेंस क्या हो गया माइनस, इतना समझदार हो, कोई दिक्कत, डिफरेंस सीधा लिख सकते हो। अब वाई वाला लिखो, वाई वाला क्या है, वाई वाला बताओ, डिफरेंशिएट करो इसको डी बाय वाई, और थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। चलो अब बताओ ए साइन का डिफरेंस, अब बताओ हमको डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया, डी बाई डी थीटा निकल गया। अब मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, क्या करना होगा, कोई बता सकते हो, कोई बता सकते हो क्या करोगे, जल्दी बताओ। अरे ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू पता है, अगर दोनों को भाग कर दें तो डी थीटा डी थीटा ना कट जाएगा, ना कट जाएगा, बट मुझे ऊपर चाहिए, हमको चाहिए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई ऊपर लेना है डी एक्स, किसको किससे भाग करोगे, हाँ इक्वेशन 1 मान लो, इसको मान ना भी मानो चलेगा, लिखो ना डायरेक्टली, मानने की क्या जरूरत है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना मुझे, तो क्या करते हैं डी वाई बाई डी थीटा को भाग कर देते हैं डी एक्स बाई डी, कोई दिक्कत, डी थीटा डी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब डी वाई डी एक्स ऐसे लिखना, ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ, डी वाई बाई डी डी एक्स को ऐसे ना कि डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा से डिवाइड किया, बैलेंस हो गया ये, तो ये डी वाई डी थीटा है डी एक्स बाई डी थीटा, कोई दिक्कत। डी वाई डी थीटा लिखना है, बताओ नीचे दिखेगा आकाश, ए कॉस थीटा और बताओ डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए कैंसिल आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? दिस इज योर फाइनल आंसर। थीटा के टर्म में ही आंसर आएगा, टी रहेगा तो टी के टर्म में आंसर आएगा। बहुत आसान है कि नहीं? जल्दी बताओ। और थीटा तो देखा बोले पाई 4 पर निकालो तो थीटा पाई 4 रख दो, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री/1। ऐसे पूछा हुआ है कभी कभी, क्या समझा? सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक दूसरा और करते हैं अच्छा खासा। चलो सुनो, करो वीडियो पॉज करो। ओके देखो मिटा दो इसको। अरे यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आएगा। हाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। अब उसमें क्या दिखाना है बच्चे की तरफ, डी एक्स वाई डी क्या करोगे। चलो एक दो क्वेश्चन और देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये। एक दो प्यारा क्वेश्चन भी करेंगे। देखो एक्स, तुमको एक्स अलग दिया रहेगा, वाई अलग दिया रहेगा, एकदम सेम। तो चलो मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा टी प्लस साइन टी, ठीक है जी। और एक दिया हुआ वाई इक्वल टू, सुन रहे हो, ए कॉस टी। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इसको डिफरेंशिएट करना कर लोगे पर किसके इसमें करोगे? पहले एक्स वाले को डी एक्स बाई डी टी, मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए, बाद में बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी टी करो। एक कांस्टेंट बाहर, टी का बोलो 1, साइन का डिफरेंशिएशन ए कॉस। अब चलो वाई वाला को करो, वाई वाला करो डी वाई डी टी, वाई वाला ए बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन टी हो गया। अब डिवाइड कर दो, पहले क्या करो, पहले का लिखोगे, और उसका लिखोगे डी बाई डी टी, डिवाइड करो, ऐसे क्रॉस कर देना ऐसे, ठीक है जी। डी एक्स वाई डी टी और डी वाई डी टी का वैल्यू बोलो, डी वाई डी टी का पहले डी वाई डी टी लिखते हैं तब डी एक्स वाई डी टी, बताओ करना। नीचे क्या है, ए कैंसिल, हाँ दिख रहा है? बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ पर टिमोटी का काम लगेगा। टिमोटी का फॉर्मूला याद है किसको? याद है साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 sin t/2। कहते हैं टिमोटी का फॉर्मूला एकदम धमाकेदार होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कॉस t/2 समझिए, और नीचे हो जाएगा कितना फॉर्मूला था 2 cos²। अभी तक नहीं याद हुआ ये फॉर्मूला। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा -10 t/2। एंगल घिर दिया करो, खत्म। दिख रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसको नोट करो, मिटा दो इसको। ओके चलो, तो आसान क्वेश्चन सब है, कुछ नहीं है, बस एक्स अलग दिया रहेगा, वाई अलग दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करना है। कहानी स्प्रेड कर लो, बड़ा आसान है। चलो अब एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कैमा एग्जाम्पल होगा, नंबर बताओ, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एक्स इक्वल टू दिया हुआ ए साइन टी, सुनो ना सुनो ना, और वाई इक्वल टू दिया हुआ ए, सुनोगे ए, ओके, उसके बाद कॉस टी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, जैसे तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ 10 t/2, 10 t/2, 10 t/2 ऐसे। ये एंगल घिरा हुआ है, फिर लॉग का एंगल है, लॉग का आर्गूमेंट है, ऐसे दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? चलो ये क्वेश्चन है, हमको निकालना है डी बाई डी एक्स। पहले इसको करो, ये तो बहुत आसान है, लग ही रहा है। डी एक्स बाई डी टी, ए साइन का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान है। अब उसको करो थोड़ा ढंग से, उसमें अच्छा से करना, उसमें गलती करेगा बच्चा। डी बाई डी टी, डी बाई एक कॉन्स्टेंट है, ए तो कट ही जाएगा, ए का चिंता नहीं करो, ए बाद में कटेगा, डिवाइड करेंगे तो अभी कैसे छोड़ देंगे। कॉस का डिफरेंस बताओ, बस यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। चेन रूल डायरेक्टली लगाएगी एक बार, क्या करते हैं एक बार करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं, ऐसे करके देखा ऐसे। उसमें भी चेन रूल लगा, डी लॉग ब्रेकेट में क्या होता 10 t/2, t/2 थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना, जैसे पूरा पता चलना चाहिए t/2 है, एंगल है। और लॉग नीचे का लिखोगे, हाँ लॉग का जो भी है सब लॉग के साथ जो भी लिखा हो उसको उतार देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, d 10 t/2 और नीचे का लेना पड़ेगा t/2, एक और करना पड़ेगा क्या। अच्छा कॉपी पे जगह खत्म हो जाए क्या करोगे, नीचे आ जाओगे एकदम, गली में अटकाने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया इतना, चेन रूल ही सब बरक कमा लेंगे। कॉस का बोलो आप एक साथ माइनस साइन टी, और लॉग का क्या होता है एक्स 10 t/2, और 10 का डिफरेंशिएशन बोलो sec² t/2 हो जाएगा, t/2 का करना हो जाएगा 1/2 ना, टी का 1 हो जाएगा। हाँ चलो, देखने में कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे, आप देखो कितना आसान हो जाएगा। 10 को लिख दो क्या, साइन बाई कॉस, कॉट हो जाएगा, कॉट कर दे ऐसे, कॉस t/2 अरे कर दे ऐसे sin t बाई टू, चलिए गलत है क्या? अरे टेन उल्टा कॉट होता है और कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, वैसे भी टेन को लिखो साइन बाय कॉस तो पलट जाएगा कॉस बाय साइन, क्लियर? और सेक को लिखोगे वन बाय कॉस स्क्वायर टी बाई टू, कोई दिक्कत किसी को? और ये जो टू है ना ये वन बाई टू यहाँ लिख दे क्या? अरे वन बाई टू इधर लिख दे, वन बाई टू यहाँ लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत? ए कॉस स्क्वायर है ना, सेम एंगल कहाँ नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा। बोलो अब बता टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बता, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा, अरे साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, होता है तो साइन टी बन जाएगा, ये सिर्फ साइन टी बन जाएगा। अब मत बोलना कैसे हो गया सर ये, अरे टू साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू साइन टी, देखो कितना आसान हो गया। डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है, आपका कैलकुलेशन है, कह रहे टिमिट्री जिसको आता है पर्दा क्रिया जी, पर्दा का टिमिट्री चमक नहीं रहा है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहीं से कहीं आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला था बार बार चिल्ला चिल्ला के। अभी तो ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, इंटीग्रेशन में कितना यूज होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, इससे भी ज़्यादा यूज होगा। चलो एल्सियम बोले यहाँ पे प्लस लिख दे भले, वन वन लिख दे भले, माइनस साइन स्क्वायर टी, कोई दिक्कत? ओके वन माइनस साइन स्क्वायर टी का हो जाएगा, कहाँ चलेगा? यहाँ आ जाए, चलो ए वन माइनस साइन स्क्वायर टी का हो जाएगा, मजा आ गया। अब लास्ट में फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब दोनों का करना है लास्ट टाइम भाग, कर दो भाग, इसलिए डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, डी बाई बाई डी टी, अरे बोलो ना क्रॉस, चलो डी बाई डी एक्स डी टी का बोलो, डी बाई डी टी का, डी बाई डी टी का ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन वाई बाई साइन टी, और इसका करना है डी एक्स बाई डी टी का बोलो, डी एक्स बाई डी टी का बोलो ना, वन बाई कर दे ए कॉस, डिवाइड है ना, डिवाइड है ना, इसे डिवाइड है ना तो नीचे लिखना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दें पलट दें, ए कॉस लिख दे, पलट दिए सही लिखे, बोल रहे सही लिखे, उल्टा लिखना पड़ेगा ना डिवाइड बाय ऐसे, अब सही है ना, अरे बट्टा में ना है वो, इसलिए अब चलो ए से ए कॉस से कॉस, कॉस पसंद क्या आ जाएगा कॉट टी, घेर देना मतलब टी टी लगेगा, टी एस हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझ आया कि नहीं आया? आंसर कितना जबरदस्त आया है, दिल खुश हो गया देखिए। लिख लो लिख लो। अच्छा एक क्वेश्चन सुनने का, एक यही क्वेश्चन तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, सुनो अभी समझ लो। एक चीज बोल रहा है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, क्या करो? डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 डबल डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन लिखा है ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगला एक्सरसाइज जो है यही है, ठीक है? तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जो आंसर है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। लेकिन यहाँ तो एक्स का रिस्पेक्ट कर दो, तुम किसका रिस्पेक्ट कर रहे हो? हमको तो टी का रिस्पेक्ट करना है, तो चेन रूल लगा दो। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला ये निकालने के लिए, क्वेश्चन में ये बोला डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, लो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, ये बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है? तो तुमको पहले डी बाई डी एक्स निकालना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो डी बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर उसको डिफरेंस करो, एक बार चेन रूल लगाओ, एक बार करो चेन रूल, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या? यहाँ पर तो एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दिख रहा है आकाश? चलो कॉट टी का डिफरेंस बताओ क्या होगा, कॉस कॉट टी और डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स बाई डी टी निकाल चुके हो, करना निकाले, लेकिन उल्टा है वो, उल्टा है, उल्टा करो, उल्टा कर दें, अरे बोल नहीं रहे हो, अरे उल्टा है नहीं है, देखो डी एक्स बाई डी टी है, ये क्या है? डी टी बाई डी एक्स कैसे आ गया? क्या हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, ऑलरेडी डी बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको और करेंगे तब हमको निकलेगा, डी टी यहाँ पर चिन्ह लगेगा, टी है यहाँ टी देना पड़ेगा, एक्स होता तब ना छोड़ देते हैं, तो टी डी टी बाई डी एक्स है, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू उठा करके यहाँ से क्या डी एक्स बाई डी टी पता है तो उल्टा करके रख देंगे। अब बताओ कॉस स्क्वायर को लिख दो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख दें, छोड़ दो आंसर, तो बनो साइन स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर इंटू कॉस टी, हो गया आंसर, खत्म आया, समझ आया? तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब समझे, कोई स्पेशल थ्योरी नहीं, डबल कभी कभी कहता है तीन बार कर दो, क्या बार कर दो? एक बार और कर दें, लेकिन आंसर भी नहीं दिया, लेकिन पूछ देता है कभी कभी, क्लियर हो गया? लेकिन पढ़ते इसको कैसे, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर पढ़ा जाता है, तरीका है पढ़ने का। वैसे ये कहोगे डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ओके समझ आ गया? उतार लो, मैंने वो दे दिया, नोट करो, हो गया? चलो हो गया क्वेश्चन, क्या टू क्वेश्चन हो गया? एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाए, सुनो ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाए, सुनो सुनो, बाद में एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं, सुनो ना, बाद में लिख लेना, सुनोगे? एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, सुनो ना। ए लड़का एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर साइन इनवर्स टी। ओके, साइन इनवर्स टी, ये तुम्हारा किताबी का क्वेश्चन। वैसे मैं तुमको एग्जांपल दे, हाँ, ए साइन इनवर्स का पावर टी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रूट अंडर ए का पावर साइन इनवर्स टी, सुनो ना ये क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का। अब वाई इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर ए का पावर कॉस इनवर्स टी, समझिए। ऐसे सुनो ना, ये क्वेश्चन तुम इसको करने जाओगे dx बाई dt निकालोगे, ऐसे चेन को लगाना पड़ेगा तुमको, यहाँ डिवाइड। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, मैं थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, करके देखना तुम। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, बहुत ही ईजी से। इन दोनों को गुना कर दोगे ना, तो जो जानते हो साइन इनवर्स x गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है बेसे में, तो बेसे में साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता है, पाई बाई 2। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, डायरेक्ट लगा दो इनवर्स का फॉर्मूला, सीधे कुछ पसंद बन जाएगा। गुना करो पहले, गुना करो, टी खत्म में हो जाएगा, गुना करो तो रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी अब प्लस कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। गुना करो, गुना कर दिया, मत पूछना गुना क्यों कर रहे हैं सर। पहला तरीका तो तुम्हारा तरीका है, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, डी बाई डी टी निकालो, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, करके देखना तुम्हारा काम है। ओके, बट मैं ये शॉर्ट निकाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तुम्हारे बुक में भी है। एक और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, पाई टू। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ। बताओ, एक अबाउट पाई बाई 4 कर दे इसको, हाँ, और डिफरेंशियल कर दो, खत्म। टी ए खत्म हो गया, टी का चक्कर खत्म, एक्स बाहर वाई का डिफरेंशियल। अभी पिछला एक्सरसाइज का जैसा क्वेश्चन हो गया, वाई बाहर एक्स का डिफरेंस 1 और ए का डिफरेंशियल, जल्दी बोलो। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आंसर, बताओ, माइनस बाय बाय बाय, खत्म। क्या समझे, 3-4 स्टेप में बढ़ गया, खत्म। कुछ नहीं, वैसे जैसे करते हो उसे करोगे। इसमें हम गुना कर दिया दोनों, क्या कर दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, बेस से रूट वाला रूट में ना गुना होगा, तो ए बेस है, यहाँ भी ए बेस है, बेस में तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2। रूट का मतलब पावर हाफ लिख दिया, चलो खत्म, यूनिट रूल लगा दिया, यूनिट रूल लग गया है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, समझे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, नोट करो। चलो तारो बाबू, वीडियो पॉज करो। देखो जी, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, ये तुम्हारे एक्सरसाइज कृष्णा का 11.5 का 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको करवाता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, जब ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ बहुत कम है लेकिन एग्जाम्पल में दिया हुआ है शायद। ओके, तो बोलता है इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको यू बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं, अक्सर बोल देना ऐसा ही। चलो लेट करो, लेट यू मान लो, इसको क्या मान लो, यू। और x की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, पहले इनवर्स का काम ना करो, चेन रूल लगाने जाओगे, चेन लगाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, तो बोले सब्स्टिट्यूट कर दो, इनवर्स का काम करो, पहले x की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, हाँ, u into v। a को u मानना, दूसरा को v मानना। अभी तक जो डिफरेंशिएट हम लोग करते आए हैं, हमको dy by dx निकालना है ना, क्या निकालना है, बट यहाँ पर तो तुमको y नाम ही नहीं कुछ हो, पर क्या ये अलग है, ये a को u बोलना पड़ेगा, a को v बोलना पड़ेगा। सुनो ये लड़का, ये सुनो, ये y की तरह काम कर रहा है, ये x की तरह काम कर रहा है, ऐसे सुनो, ये y की तरह, ये अगर तुमने इसको u बोल दिया तो हमको du चाहिए, और इसको v बोल दिया तो dv चाहिए, ये निकालना हमको, du बाई dv निकालना, समझे बात को। हमको आप dy बाई dx नहीं निकालना, बल्कि हमको du बाई dv निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से du बाई dx निकाल लेंगे, यहाँ से dv बाई dx निकाल, दोनों को भाग करके निकाल लेंगे du। समझा बात को, आप नहीं समझा, हो गया। अब क्या करो, इनवर्स का काम कर लो, एक्स के जगह थीटा पुट कर दो, आता पुट करना है, अरे इनवर्स का काम कर लो ना, आसान हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, वैसे भी तुमको आता है, पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ना, करो 2 tan थीटा अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं हुआ है। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, एकदम धुआं होना चाहिए, तभी इनवर्ट इसमें कमाल कर पाओगे। tan में खत्म करना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा का लो यहाँ से हो गया, डिफरेंशियल कर दो धुआं करके। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का गया आंसर बताओ। ये आया तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स, क्या आ गया जी? अब भी बना भी किसको बोलो, भी किसको बोलोगे? इसको भी बोल दो। इसमें भी क्या पुट कर दो, और इसमें भी क्या पुट करोगे? एक्स या 10 पुट कर दो, सेम ही काम करना है। थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, सेम है। काय पुट करोगे? पुट तो एक बार ऑलरेडी कर चुका ना, और यह कर चुका ना, तो दिमाग काय लगा रहे हो? क्या भाई एक्स से तो है दोनों जगह। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है इसका? डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन तरीका से बनाओ, कभी गलती नहीं होगा, नंबर भी मिलेगा सब्जेक्टिव में, है ना। कॉस टू थीटा फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है? कॉस को खत्म करे, टू थीटा, थीटा की जगह बोलो, और थीटा की जगह क्या है? थीटा ये ना है 10 वर्स एक्स, और डिफरेंशिएट कर दो जाकर, कितना आसान है। 2 10 वर्स का फॉर्म क्या होगा बताओ? हो गया जी, दोनों डिवाइड कर दो। मुझे क्या चाहिए? डी यू बाई डी बी ना, इसलिए हमको चाहिए डी यू बाई डी बी। तो क्या करना पड़ेगा भाई? डी टी की तरफ भाग करना पड़ेगा, उल्टा फुलटा नहीं कि इसको पहले भाग करो उसको पहले, हमको डी यू बाई डी बी चाहिए। तो डी यू बाई डी एक्स बट्टा डी बी बाई, दोनों का वैल्यू सेम ही है ना, कट के बना जाएगा ना, समझा? दोनों सेम है ना जी, कैंसिल। कितना आंसर आ गया? खत्म। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, डाल लो। चलो दिख रहा है, वो दिख रहा है आकाश? ओके चलो, कट गया।